नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 22 जिले 22 खबर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी के 2 साल बीत जाने के बाद अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू पूरी तरह से ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएगी। इसको लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तारीख की घोषणा की है। इसके साथ ही परीक्षाओं की डेट शीट भी जारी कर दी गई है। इन परीक्षाओं में अब की बार कोविड का कोई भी प्रभाव नजर नहीं आता दिख रहा। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा रेगुलर अपार्टमेंट ओपन की परीक्षाएं 30 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं में सभी प्रकार के परीक्षार्थियों को मिलाकर कुल 6,68,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि इनमें 10वीं कक्षा के रेगुलर और ओपन के कुल 3,78,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसी प्रकार 12वीं की परीक्षा में 2,90,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि 12वीं की परीक्षा 30 मार्च से 29 अप्रैल तक और 31 मार्च से 26 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। इनमें सभी परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक एक ही सत्र में आयोजित होगी। इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की रेगुलर कंपार्टमेंट डिस्टेंस एजुकेशन या अन्य प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षाएं 30 मार्च से प्रारंभ होकर के 29 अप्रैल तक चलेंगी। 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च से 29 अप्रैल तक और 10वीं की 31 मार्च से 26 अप्रैल तक रहेंगी। 10वीं के ओपन के, ओपन रिपेयर के, प्राइवेट के, रेगुलर के सब मिलाकर के 3,78,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे और इसी प्रकार 12वीं के सभी प्रकार के मिलाकर के 2,90,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। कुल मिलाकर के 6,68,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच बीते कई दिनों से जंग जारी है और स्थिति अब बहुत गंभीर बनी हुई है, जहां पर हजारों भारतीय छात्र अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार की कुशल नीति के चलते फरीदाबाद के हीरापुर गांव का पवन गौड़ सकुशल अपने घर पहुंच गया। पूरा गांव पवन गौड़ के ढोल बजा के उसका स्वागत किया। वहीं भारत सरकार की सकुशल नीतियों की तारीफ की जा रही है। पवन की माने तो वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी है। चारों तरफ गोली और बारूद चलने की आवाजें सुनाई देती है। आज से 7-8 रोज पहले जब इसका फोन आया था तो ये बड़ी दयनीय हालत में था, बोल नहीं पा रहा था। तो हमने पूछा कि भाई आपको क्या परेशानी है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ भयंकर परेशानी है, खाने को कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है और बाहर अगर हम बम की आवाज़ सुनते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। मतलब ये भय से, पूर्ण रूप से भयभीत था। तो हमने इसको कहा कि भाई आप अगर वहाँ को किसी तरीके से दूतावास से संपर्क हो पा सकता है या कोई उच्च अधिकारी से कोई संपर्क हो सकता है तो उनसे संपर्क करके आप वापसी अपना देश लौट आइए। तो इन्होंने कहा कि भाई इस तरह की कोई सुविधा फिलहाल यहाँ नहीं है। तो फिर दूसरे रोज़ फिर इसका फ़ोन आया कि पापा मैं आना चाहता हूँ पर आने का कोई भी विकल्प नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि भाई यहाँ तो ये डेली पत्रकारिता के माध्यम हमें सुनने को मिलता है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, देश के 4-4 मंत्री भी वहाँ पहुँच चुके थे। तो उसके उपरांत फिर इन्होंने कहा कि हम लोग जो विद्यार्थी टीम है हम संघर्ष कर रहे हैं परंतु हम बॉर्डर तक जाते हैं, बॉर्डर के बाद निराश होकर वापस आ जाते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के बीपीएल परिवारों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर कोशिश की जा रही है ताकि बीपीएल परिवार भी एपीएल की श्रेणी में आ जाए। और इसे लेकर सोहना के देवीलाल खेल स्टेडियम में मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के 25 स्टॉल लगाए ताकि बीपीएल परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान मेले में आए कुछ लोगों को बैंक कर्मचारी द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जानकारी लेने वाले लोगों के साथ टकराव वाली नीति अपनाकर उन्हें ठीक से जानकारी मुहैया नहीं कराई गई, जिसके चलते कुछ लोगों को मेले से मायूस होकर लौटना पड़ा। तो
इसमें करीब जो हमारे एमसी ब्लॉक के जो बेनिफिशरीज थे वो लगभग 300 थे और लगभग 500 हमारे करीब ब्लॉक के थे रूरल एरियाज के। तो मेरा स्टार्ट है 9 बजे से, तो सारी हमारी स्टॉल रेडी हैं और जो बेनिफिशरी हैं उनका भी अच्छा फुटफॉल है। वहाँ स्टॉल्स को मैंने चेक किया, वहाँ देखने के लिए कि प्रॉपर काउंसलिंग हो रही है नहीं हो रही। और दूसरा जो हमारे बेनिफिशरीज हैं मेले में आ रहे हैं तो उनको पूरी तरह अटेंड किया जा रहा था, उनको उनके लिए जो लाभार्थी है जिस स्कीम के तहत वो आवेदन कर रहे हैं जिनके लिए एलिजिबल है उनको उनकी स्कीम को समझाया जा रहा है, उसी स्कीम के अनुरूप उनको लाभ दिया जा रहा है। ये सब मेला है ना, ये सब बहाना है समझे, ये वोटों की वजह से सारा बहाना है और कुछ भी नहीं है। किस लिए बुलाया, लड़की को बुला लेती और 2-4 हजार रुपए लग जाते बताओ। ये हम कह रहे हैं बीपीएल, हर चीज में बीपीएल कार्ड चाहिए। नहीं, किस लिए आप आए, किस लिए आप आए थे यहाँ पे? सर मेयर को बुलाया गया था कि लड़की बच्चे को सुविधा मिलेगी, बरखा के नाम से लोन मिलेगा जी है, और उसके एजुकेशन लोन मिलेगा जी, और उसके लिए बुलाया गया था। कितनी पढ़ी लिखी आपकी बेटी है? ये फाइनल है सर। अच्छा, फिर क्या कहा यहाँ पे आपको? ये कह रहे बीपीएल कार्ड लेके आओ तब लोन मिलेगा। अच्छा, विदाउट बीपीएल नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा कुछ भी सुविधा। पार्लर के लिए भी कह रहे हैं कि बीपीएल कार्ड लेके आओ, बीपीएल कार्ड होता तो सर हम यहाँ क्यों आते। क्या नाम है आपका? अन्नू है सर। तो वही पेपर लीक मामले को लेकर सोनीपत एसटीएफ लगातार बड़े खुलासे कर रहा है, और जहां सोनीपत एसटीएफ ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। सोनीपत एसटीएफ पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी अमित उर्फ मित्ता मगडौली गांव का रहने वाला है। आरोपी खाद्य आपूर्ति विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था और पेपर लीक मामले में गैंग लीडर में हिस्सेदारी कर रहा था। आरोपी अमित कुमार कोचिंग सेंटर से छात्रों के नंबर लेकर संपर्क करता था और नौकरी लगवाने और पेपर क्लियर करवाने को लेकर सांठगांठ किया करता था, और जहाँ आरोपी पेपर लीक करवाता था उसे रुपयों की सांठगांठ कर पेपर पास कराने का धंधा करता था। आरोपी अमित रुपयों को छात्रों से लेकर मुख्य आरोपी को सौंप देता था। गौरतलब है कि सोनीपत एसटीएफ पुलिस द्वारा अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और विभाग द्वारा 19 आरोपियों के चालान भी अदालत में पेश किए जा चुके हैं। सभी आरोपी को चार्जशीट 3,500 पेजों में से अधिक है। गिरफ्तार आरोपी रूम में बने कॉल सेंटर में सर्वर हैकिंग करवा कर लैब हैक करवाते थे और बदले में 20 लाख रुपए रसिया में एक लैब हैक करने को दिया करते थे। पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो काफ़ी सारे पेपर इन्होंने रिमोट एक्सेस दे के हैकिंग करके ट्यूशन पेपर आउट कर लेते थे, उसमें आज एक नई गिरफ्तारी हुई है। अमित अलियास मित्ता, ये मकडोली गांव का रहने वाला है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर लगा हुआ है। तो इसकी कई ये लैबों में मैं जो गैंग मेंबर्स हैं उनका पार्टनर था और ये पैसे लेके कैंडिडेट पास करवाते थे। कलानूर में, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में कलानूर पड़ता है, वहाँ पे इसकी ड्यूटी है। अब क्या कार्रवाई कर रही थी? अभी इसको कोर्ट में पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो जो चीज़ इनसे रिकवरी की, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में कैसे कैसे करवाते थे, किन किन आदमियों का करवाया है, उन सब की डिटेल। भाड़ड़ा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया, जिसके तहत ग्राम सचिव द्वारा BDPO के हस्ताक्षर कर 14 ग्राम पंचायतों के खातों में धोखाधड़ी की गई। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। शिकायत में बताया गया कि ग्राम पंचायतों का चार्ज लेकर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की देखरेख में कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं एक ग्राम सचिव ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर 1,65,00,000 रुपये की धोखाधड़ी की। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने जिला उपायुक्त को ग्राम सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में बताया गया कि ग्राम सचिव ने बैंक कर्मचारियों से मिलीभगत कर 14 गांवों के पंचायत खातों में धोखाधड़ी की और रुपये निकाल लिए। रादौर में सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल में अमूल्य सेवाएं देने वाले हेल्थ वर्कर्स को
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सरकारी अस्पताल के SMO डॉक्टर विजय परमार ने आशा वर्कर्स की तारीफ की और उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। SMO विजय परमार ने कहा कि जिस किसी को भी इस कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है वो न केवल सम्मान पाने वाला व्यक्ति है बल्कि उसके परिवार के लोगों को भी काफी खुशी होती है। झज्जर में आंगनवाड़ी वर्कर्स की खंड स्तरीय प्रतियोगिता में SDM ने जागरूकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि समाज में आंगनवाड़ी वर्कर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, महिलाएं बेटी बचाने के लिए भी प्रेरित करती हैं। SDM ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से महिलाओं का मनोबल बढ़ता है। आपको बता दें कि मटका दौड़ सहित कई प्रतियोगिताओं का इस दौरान आयोजन किया गया। कैथल में सांसद नायाब सैनी ने अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे लेकिन उस मीटिंग के दौरान अधिकारी लापरवाह नजर आए। मीटिंग के बीच कुर्सी पर सोते दिखे कई अधिकारी जिनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। सांसद की मीटिंग में लापरवाह अधिकारी कोई फोन पर व्यस्त था तो कोई नींद की झपकी ले रहा था। वहीं BJP सांसद नायाब सैनी ने इस बात पर कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। NCR इलाके में डीजल की 10 साल पुरानी और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक को लेकर फरीदाबाद में टैक्सी चालक सड़क पर उतरे। टैक्सी चालकों का कहना था कि मुख्यमंत्री के द्वारा NCR इलाके में इस नियम के लागू न होने को लेकर बयान तो दिए जा रहे हैं लेकिन लिखित में कोई भरोसा जारी नहीं किया गया। अगर मुख्यमंत्री के द्वारा NCR इलाकों में इस निर्णय को वापस ले लिया गया तो लिखित में निर्णय जारी किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि गुरुग्राम इलाके में अब भी ये निर्णय जारी है, इसे भी वापस लिया जाना चाहिए। टैक्सी चालकों ने कहा कि इससे उनकी गाड़ी की कीमत जहां आधी हो गई है तो वहीं उनकी रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो चुका है। सरकार के इस निर्णय से खास तौर पर चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना होगा। पलवल में सफाई पर पिछले एक साल में करीब 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए पर फिर भी शहर में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। नगर परिषद ने निजी कंपनी को एक साल की सफाई का 8,54,00,000 रुपए का टेंडर दिया ताकि डोर टू डोर कलेक्शन कर शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाया जा सके। बावजूद इसके शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। पिछले एक साल से हर घर से कूड़े का कलेक्शन तक नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, जमीन पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा। शहर में कूड़ा उठाने के लिए कंपनी के पास 44 गाड़ियां, 6 ट्रैक्टर और 147 कर्मचारी है फिर भी सफाई नहीं हो रही। पलवल DMC का कहना है कि सफाई को लेकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह कचरे का ढेर लगा हुआ है जिसके चलते आसपास के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो गंदगी के चलते न सिर्फ बदबू आती है बल्कि बीमारियों का खतरा भी अब मंडरा रहा है। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एंटी नार्कोटिक्स एवं CIA ताउडू टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एंटी नार्कोटिक्स एवं CID ताउडू प्रभारी सुरेंद्र सिंह इंस्पेक्टर की अगुवाई में टीम ने अवैध हथियारों को बेचने का काम करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कारतूस सहित कई हथियार इससे पुलिस ने पकड़े हैं। पकड़े गए आरोपी से दर्जन भर देसी तमंचा, एक डब्बी, 10 जिंदा कारतूस, हथियार सप्लाई करने को लेकर CIA ताउडू पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा
ताकि बड़ा खुलासा हो सके और इनका नेटवर्क कहां कहां पर है ये पता लगाया जा सके। इंद्री के गांव भादसो में हत्या का एक मामला सामने आया। एक कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर जाकर हत्या के मामले में जरूरी सबूत जुटाने लगी। आरोपी अब भी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।